आपने कई ऐसे स्मार्टफोन्स देखे होंगे जिनको देख के आपको लगा होगा कि ये काफी अच्छे स्मार्टफोन है, बट वो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको उनको डाउनग्रेड कर दिया, बट वो फोन्स काफी अच्छे थे। तो हम ऐसे ही फोन्स को लेके आए हैं। तो पहले मैंने सोचा था टॉप 5 फोन्स के बारे में बताया जाए कि जो कि काफी अंडररेटेड है। फिर मेरे को एक फोन ऐसा याद आया जिसको मैं देख के मैंने बोला यार ये तो इस वीडियो में होना ही चाहिए। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से जो 5 ऐसे स्मार्टफोन थे जो थे तो काफी अच्छे बट फिर भी लोगों ने उनको पसंद नहीं किया और वो फ्लॉप हो गए। सो जो फोन पहले नंबर पे है ना उसको तो आप सब लोग बोलोगे कि हाँ यार ये फोन तो काफी अच्छे होते हैं बट ये कभी इतने ज्यादा फेमस नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूँ एसूस के। आप कोई भी गेमिंग फोन्स को देख लो, जो एसूस की जो सीरीज आती है गेमिंग की वो इतने अच्छे फ्लैगशिप फोन लेके आती है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट होता है, उसकी बैटरी काफी अच्छी होती है, कूलिंग सिस्टम अच्छा होता है, एडिशनल फैन देता है कि आपकी गेमिंग के टाइम पे वो फोन ज्यादा हीट ना करे, कैमरेज इसके काफी अच्छे होते हैं, टॉप नॉच होते हैं। उसके बाद भी ये फोन उतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही इसको खरीदते हैं, बाकी लोग सारे के सारे आईफोन की तरफ चले जाते हैं या फिर सैमसंग या वन प्लस के कुछ दूसरे फोन की तरफ चले जाते हैं, बट इस फोन को ज्यादातर लोग लेते ही नहीं है और ये फोन अक्सर काफी ज्यादा अपने एक्सपेक्टेशन के काफी नीचे रह जाता है। दूसरा नंबर में फोन की बात करूं तो जो कि मेरा पर्सनली लगा था उस टाइम पे कि ये काफी अच्छी कंसेप्ट के साथ आया है ये फोन, वो है LG का विंग फोन, जिसमें आपने देखा होगा उसका साइड से ऐसे करते थे तो स्क्रीन ऊपर की तरफ चली जाती थी। ये मैं उस फोन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये करीबन 3-4 साल पहले, आई थिंक 2 साल या ऐसे कुछ डेट पे लॉन्च हुआ था। तो ये जो फोन था ये LG ने अपने नए कंसेप्ट को लेके आया था। अभी तो ये फोन हालांकि अभी बनना ही बंद हो गया है, तो उस टाइम पे सैमसंग ने अपना नया नया फोन लेके आया था जो बीच से कुछ इस तरीके से खुलता था। उस टाइम पे ये LG का विंग फोन आया था, पर हालांकि ये फोन काफी अच्छा था और जब ये एकदम बंद होने वाला था, जब कंपनी ने इसको एक टाइम पे 25,000 में भी अपना बेचा ये वाला फोन, तब ये फोन हालांकि काफी लोगों ने खरीदा था क्योंकि प्राइस में काफी कम हो गया था। क्योंकि आई थिंक जब ये लॉन्च हुआ था तब शायद 1,00,000 के आसपास ये फोन लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे इतना लोगों ने नहीं खरीदा था, बट उस टाइम पे 25,000 में लोगों ने काफी खरीदा था। नेक्स्ट फोन की बात करूं तो वो है ओप्पो का फाइंड X3 प्रो, जो कि अभी हाल ही 2021 में शायद लॉन्च हुआ था ये फोन। ये फोन उस टाइम पे लॉन्च होने के बाद भी जो ओप्पो ने एक्सपेक्टेशन रखी थी अपनी काफी ज्यादा, काफी नए डिजाइन के साथ आया था, बैक थोड़ा सा अलग सा बनाया हुआ था ओप्पो ने, तो उसके बाद भी ये फोन भी लोगों ने इसको ज्यादा पसंद नहीं किया। हालांकि जो इसकी स्पेसिफिकेशंस थी वो भी काफी अच्छी थी, जैसे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, 888 प्रोसेसर हो, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले हो, कैमरा वगैरह हो, काफी अच्छी चीजें थी। उसके बावजूद भी ये फोन उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, लोगों ने इसको ना लेके कोई दूसरे फोन के ऊपर ट्रस्ट दिखाना ज्यादा जरूरी समझा। इसके बाद जो फोन है वो मेरे को लगा नहीं था कि वो इस लिस्ट में भी होना चाहिए, बट ये फोन इस लिस्ट में है। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus के बारे में। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये फोन तो काफी अच्छा था, फिर भी मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो इसमें आता था आपका स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर, 9 अप्रैल 2022 को ये फोन लॉन्च हुआ था। एमोलेड डिस्प्ले इसमें आता था, 4,500 mAh की बैटरी भी मिलती थी, बट इसमें लोगों ने क्या सोचा कि हम S22 Plus ना लेके इसके अल्ट्रा वाले वेरिएंट की तरफ जाते हैं और प्लस वाले फोन को साइड में कर दिया और ये फोन हो गया फ्लॉप। तो अब थोड़ा सा टाइम में और पीछे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं सोनी के जब एक्सपीरिया वाले फोन आते थे, हालांकि एक बार मैंने भी फील किया है सोनी के एक्सपीरिया वाले फोन को, मेरे किसी फ्रेंड के पास था, तो वो काफी अच्छे फोन होते थे और उसके कैमरा भी काफी अच्छे होते थे। आज के टाइम पे जब हम आईफोन की बात करते हैं तो उस टाइम पे सोनी एक्सपीरिया भी काफी अच्छा फोन होता था। तो एक जो सोनी का एक्सपीरिया का फोन था वो था जेड सीरीज का Z3, उस टाइम में 2014 में ये लॉन्च हुआ था और इसमें आपको 3100 mAh की बैटरी इसके साथ आती थी, IP65 68 समथिंग इसकी वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस के साथ मिलती थी आपको, काफी अच्छा फोन था। उसके 20.7 MP में आपको कैमरा मिलता था। आप सोच सकते उस टाइम पे जो काफी फोन नहीं लॉन्च करते थे इस तरीके के कैमरा, उस टाइम पे सोनी के एक्सपीरिया के साथ ये कैमरा आया था,
काफी अच्छा फोन था, काफी कॉम्पैक्ट सा फोन दिखता था, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर हम इसी तरीके के फोन देखते थे, तो उसके हिसाब से भी काफी अच्छा फोन था। बट इसको भी लोगों ने उतना पसंद नहीं किया और ये भी फोन फ्लॉप हुआ। आई थिंक मेरे को इसका मेन रीजन लगता था इसका थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ओवर रेटेड लगता था। अब जो लास्ट फोन है आप उसके बारे में सुनो, फिर आप अपना ओपिनियन देना कि ये फोन भी फ्लॉप हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ वीवो के X50 Pro फोन के बारे में, जिसमें आपको डिस्प्ले मिलता था 6.56 इंच का कर्व OLED डिस्प्ले के साथ आता था 90Hz। हालांकि इसमें रिफ्रेश रेट था 4315 mAh की, इसमें आपको बैटरी देखने मिलती थी। स्नैपड्रैगन 765G के प्रोसेसर आता था, 33W की फास्ट चार्जिंग थी, काफी अच्छा था, काफी लोगों ने इसको लिया भी था। उसके बाद भी के जो वीवो ने जो टारगेट रखा हुआ था कि हम उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, वो हालांकि वहां पहुंच नहीं पाए और अनफॉर्चुनेटली ये फोन भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो एक अच्छी चीज आप भी कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।